ये 550 केस 41 जिलों से आए हैं। जिलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है और जो क्लस्टर कंटेनमेंट का जो एक्सरसाइज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हॉटस्पॉट्स डिफाइन करके, आइडेंटिफाई करके जो भी पॉजिटिव्स हैं या जो पॉजिटिव के जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनमें और भी किसी प्रकार के ऐसे सिम्टम्स हैं, उनको जो फैसिलिटी क्वारंटाइन में बड़ी संख्या में रखा गया है, उनकी सैम्पलिंग हो रही है, उनसे ही ये केसेस अधिकांश निकले हैं। तो इसलिए ये सभी ऐसे केसेस हैं जो कि जिनको कि पहले ही कम्युनिटी से आइसोलेट कर लिया गया है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया है, उनके जो सैम्पलिंग हो रही है उनसे ही ये केसेस निकल के आए हैं। अभी तक 550 जो केसेस हैं इनमें से 47 पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सबसे एक जो बहुत ही उत्साहवर्धक समाचार यह है कि पीलीभीत जनपद में 2 केसेस थे और उसके बाद से कोई भी नया केस नहीं आया था। आज पीलीभीत के जो दूसरा मरीज था, पहला तो पहले ही एक महिला डिस्चार्ज हो चुकी थी, आज दूसरा मरीज भी डिस्चार्ज हो गया है। अब पीलीभीत जिले में कोई भी एक्टिव केस नहीं रह गया, तो वो कोरोना से संक्रमित होने के बाद आज पीलीभीत जिला पूरी तरह से फिर एक बार कोरोना से इस समय संक्रमण से मुक्त हो गया है। और इसके लिए वहाँ की जो मेडिकल टीम है और वहाँ के जिलाधिकारी जिनके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ और वहाँ के पुलिस अधीक्षक, सभी लोगों को, पूरी टीम को हम लोग साधुवाद देते हैं। पूरे प्रदेश में जो मेडिकल टीम है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे जो निजी क्षेत्र के जो चिकित्सक जो हमारी सहायता कर रहे हैं, वो सभी लोग कोरोना से इस लड़ाई में वो हमारे सिपा सलार हैं, सबसे फ्रंट लाइन पर वही काम कर रहे हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं। सैंपल्स के टेस्टिंग की संख्या प्रदेश में अब बहुत बढ़ गई है। प्रतिदिन हम 2000 के आसपास सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेज रहे हैं। कल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग हुई और उसकी संख्या है 1980। 1980 सैंपल्स की टेस्टिंग कल हुई है। आपसे मैंने कल बताया था कि हम टेली कंसल्टेशन जो है उसकी सुविधा हम प्रारंभ कर रहे हैं अपने हेल्पलाइन से 1800 180 5145। ये टेली कंसल्टेशन की सुविधा है 1800 180 5145, यही नंबर है। तो उस पर आज से टेली कंसल्टेशन शुरू हो गया है और कई लोगों ने उसमें फ़ोन करके जो उनको जो भी कष्ट था, जो बीमारी थी, उसके बारे में डॉक्टरों से सलाह मशविरा किया है। हम लोगों ने इसको एक छोटे से पूल ऑफ डॉक्टर से प्रारंभ किया है और हमने इसमें कल से वो सुविधा भी खोल दी है कि जो भी रिटायर्ड डॉक्टर, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों, चाहे वो सैन्य सेवाओं से आए हों, जो भी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे वॉलंटरी सर्विस देने के लिए, टेली कंसल्टेशन के लिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करा सकते हैं। और जो भी मरीज फ़ोन कर रहे हैं हमारे कॉल सेंटर को, उनको हम किसी न किसी डॉक्टर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ICMR के द्वारा उत्तर प्रदेश को पूल टेस्टिंग की परमिशन मिल गई है और हम अब पूल टेस्टिंग भी प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। पूल टेस्टिंग में कई सैंपल्स को एक साथ पूल कर लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए कि 10 सैंपल को एक साथ ले लिया गया, 10 स्वाब को एक साथ ले लिया गया सैंपल्स को, और उनके टेस्टिंग हुई, अगर निगेटिव आया वो रिजल्ट उसका, तो ये उसका निष्कर्ष होता है कि 10 लोग जिनका सैंपल डाला गया था 10 संक्रमण मुक्त है, 10 संक्रमण विहीन है। अगर उसमें
पूल, POOL, पूल, अगर उसमें ये आता है कि अगर वो उसमें संक्रमण निकलता है तब फिर इन लोगों के सैंपल्स की जांच फिर अलग अलग करके करनी पड़ती है। तो इससे जो स्क्रीनिंग का काम है वो फास्टर हो जाता है। अभी इसका प्रोटोकॉल तय हो रहा है, कल से इस पर भी ये जो पूल टेस्टिंग है वो प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। ये पहला राज्य होगा जो उसमें पूल टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। आकस्मिक सेवाएं जारी रहें, इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही शासनादेश कर रखा है, सरकारी सेक्टर के लिए भी और निजी सेक्टर के लिए भी। लेकिन एक जो इसमें चैलेंज होता है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं उनके ट्रीटमेंट के दौरान जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो इन्फेक्ट ना हो जाए, तो इसके लिए कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो प्रोटोकॉल होता है उसका डिटेल्ड गाइडेंस नोट आज जारी हो गया है, निजी क्षेत्र के लिए भी, सरकारी क्षेत्र के लिए भी। और आज 4 बजे से 6 बजे के बीच जो 40 जिले मुख्य रूप से कोरोना से प्रभावित हैं उनके नर्सिंग होम्स, उनके जो डॉक्टर्स हैं, IMA के जो सदस्य हैं, उनकी इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल पर ट्रेनिंग की जा रही है। 4 से 6 बजे के बीच आज वो ट्रेनिंग होगी ताकि जो भी आकस्मिक सेवाएं हैं लोगों को वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के और पूरी तैयारी के साथ वो दे सकें, ताकि एक तरफ मरीजों को भी लाभ हो और दूसरी तरफ जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो और हेल्थ केयर स्टाफ हैं वो भी संक्रमित ना हो। आज मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना था, धन्यवाद। अब आगे अपर मुख्य सचिव सूचना बताएं। जी हाँ, उनमें अलग अलग स्टेज में है कंट्रोल। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक टीम 11 की है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल शाम को माननीय मंत्री परिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और उस बैठक का प्रेस नोट हमने रात में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्णय लिए थे, जारी किया था। माननीय मंत्री परिषद की बैठक में लॉकडाउन की कार्रवाई पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, जान भी के तर्ज पर आगे बढ़ने पर कई निर्णय लिए गए थे और उसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य साहब की अध्यक्षता में निर्माण कमेटी का गठन हुआ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब की अध्यक्षता में शिक्षा कमेटी का गठन हुआ। कृषि मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही साहब की अध्यक्षता में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर्स की जो है बैठक का आयोजन हो रहा है। इसके बाद वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म और बड़े उद्योगों में किस प्रकार ग्रेडेड वे में कार्य किया जा सकता है इसकी बैठक हो रही है। माननीय श्रम मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु संस्तुतियां दी जानी है। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी श्री रमापति शास्त्री जी की अध्यक्षता में समाज कल्याण की छात्रवृत्ति और पेंशन से जुड़े चीजों पर प्रस्ताव आने हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जयप्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में सरकारी और निजी अस्पताल एवं जो मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी और निजी, इनमें इमरजेंसी सेवाओं को प्रारंभ करने और टेलीमेडिसिन और टेलीफोन पर मेडिकल परामर्श दिए जाने के संदर्भ में संस्तुतियां प्राप्त की जानी है। माननीय ग्राम विकास मंत्री जी श्री मोती सिंह जी की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन, और माननीय नगर विकास मंत्री जी श्री आशुतोष टंडन जी की अध्यक्षता में नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता व सैनिटाइजेशन पर व्यवस्था का प्रस्ताव आना है। माननीय जलशक्ति मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब की अध्यक्षता में पेयजल आपूर्ति अनवरत बनी रहे, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र में, उसकी संस्तुति आनी है। और दिव्यांगजनों के बारे में श्री अनिल राजभर जी की अध्यक्षता में कमेटी दिव्यांगजनों के हितों की रक्षा के लिए गठित की गई है। इस बैकग्राउंड में आज कई कमिटीज की बैठक भी शुरू हो गई हैं और निर्माण कमेटी की भी बैठक आज सुबह 11 बजे डिप्टी CM साहब केशव मौर्य साहब की अध्यक्षता में हुई, जिसमें माननीय मंत्री जी जल शक्ति मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी
और आरईएस के माननीय मंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके साथ साथ आज टीम लेवल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सुबह 11:30 बजे हुई है और एक बिंदु पर विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सख्ती से आज जो है निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि जो कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने वाले और जानबूझकर न बताकर फैलाने वाले यदि कोई व्यक्ति रह गया है तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश पुलिस विभाग को, गृह विभाग को दिए हैं, जिलाधिकारी और एसएसपी को विशेष रूप से चेतावनी भी दी है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जगह जगह चेकिंग अभी नहीं की है, जबकि 29, 30 और 31 मार्च को ही आदेश दिया गया था कि एक एक गाँव में, एक एक घर में चेकिंग करा ली जाए, कोई धर्म स्थल भी ना बचे जहाँ की लोग छुपे हुए हों, तो अब अगर कहीं भी छुपे हुए लोग निकलेंगे तो उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही होगी, वहां के जिला प्रशासन और पुलिस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश और जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्देश उन्होंने आज दिया। इस संबंध में उन्होंने ये दिया है कि कोई शिथिलता न बरती जाए और पुनः डीजीपी साहब को और मुझे डीएम और एसएसपी को निर्देशित करने का आज आदेश दिया है। आज की तारीख में जो अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया है, जो प्रथम चरण के 15 जनपद हैं और द्वितीय चरण में लगभग 25 जनपद हैं जहां जिलाधिकारियों ने खुद हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, इनमें लगभग 450-480 से अधिक कोरोना के केसेस अब आ गए हैं। तो ऐसे में 85% तक कोरोना के केसेस रिंग फेंस के अंदर हैं। हमारी जो लगभग 20 लाख की आबादी हॉटस्पॉट्स पे है उनके अंदर है, इन्हीं को अब बिल्कुल ही घर टू घर, डोर टू डोर जो है चेक करके इनकी कार्रवाई करना है। अब अगर कोई एक आदमी भी कहीं भी छूटता है तो संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो COVID-19 के संक्रमण की कार्रवाई हॉटस्पॉट्स पर तेज की जानी है, डोर स्टेप डिलीवरी पर विशेष ध्यान दिया जाए, सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसका भी उन्होंने एक आदेश और अभियान चलाने के लिए दिया है और यह भी निर्देशित किया है कि इन क्षेत्रों में, चूंकि अब अभी तक मीडिया का प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया था, निर्धारित संख्या में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इन क्षेत्रों के अंदर जो सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, इन क्षेत्रों के अंदर जो वितरण का काम हो रहा है, उसका भी प्रचार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कंट्रोल रूम में जरूर करें, जिससे कि इन हॉटस्पॉट्स के एरियाज में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी सबके सामने जाए। जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको बहाल करने के संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है, वो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को देगी। लेकिन इन प्राइवेट अस्पतालों को कैसे संक्रमण से मुक्त रखते हुए जो है इमरजेंसी सेवाओं को व्यवस्थित करना है, इस पर विशेष रूप से मंत्रणा और चिंतन, गंभीर रूप से चिंतन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे पीलीभीत के प्रशासन को, वहां के सभी अधिकारियों को, जिले स्तर को, सभी लोगों को बधाई दी है। जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, दो वहां केस थे, दोनों केस अब निर्धारित जो है करते हुए उनका जो है समय पूरा करते हुए वो भी अपने घर जा चुके हैं। ये पहला जनपद है जो कोरोना से प्रभावित होने के बावजूद कोरोना से बाहर निकला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए है कि पीलीभीत जनपद ने इस पूरी व्यवस्था को निर्धारित मेडिकल और निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत उसके बाहर वो आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः टेलीमेडिसिन पर विशेष बल अपनी बैठक में दिया है। टेलीमेडिसिन के लिए, जैसा कि अभी स्वास्थ्य सचिव ने बताया, सलाह देने के लिए फोन नंबर्स की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया है। अब तक जो लैब स्थापित हुई है इनको और मजबूत करके इन लैब्स में और अधिक मात्रा में चेकिंग हो, ये भी निर्देश आज उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी निर्देश किया है कि जो अन्य राज्यों के नागरिक हैं और जो विदेश के नागरिक हैं उनको संपर्क करके उनकी समस्याओं का भी निस्तारण किया जाए। यहाँ एक चीज और भी देखने को मिल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है
कि जो हमें सूचना मिल रही है, बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं वो चीन से कहीं ना कहीं उनका जो है मोह भंग हुआ है निर्माण कार्यों के लिए। उद्योग के आईडीसी साहब को और उनके सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि यदि आगे के सेकंड चरण में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर कोई विशेष रूप से बड़ी कंपनीज आ रही हैं तो उनके लिए विशेष पैकेज जो ऑलरेडी हैं और क्या और सहूलियतें स्टेट गवर्नमेंट दे सकती हैं, इन संभावनाओं पर भी जो है उन्होंने औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव MSME और सचिव प्रमुख सचिव औद्योगिक सचिव को भी निर्देशित किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडियों की व्यवस्था जो है करने का भी निर्देश दिया है। कुछ मीडिया में, कुछ सोशल मीडिया में कुछ जनपदों की मंडियों की सुबह सुबह की फोटो आती है जिसमें भीड़ दिखाई देती है। इस संदर्भ में भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है APC साहब को कि हर जनपद की जो मंडी सुबह जहां पर भीड़ होती है वहां मंडी की दुकानों को अलग अलग स्थानों पर डिस्टेंसिंग बनाकर वहां पर खरीद फरोख्त की कार्रवाई की जाए, ये भी निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये भी उन्होंने निर्देश दिया है कि कुछ सोशल मीडिया पर स्वयंसेवी संगठनों के जो फूड वितरण का कार्यक्रम है उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई हैं, उनको भी विशेष रूप से APC साहब को कहा है कि इसको बहुत ही कंट्रोल करके, इसको बहुत ही जो है सकारात्मक रूप से इनको जो है मॉनिटरिंग करके इसको भी काम को आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों ने जो है पूरे प्रदेश में हर जनपद में प्रदेश सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई। अब ग्रेडेड वे में जिलाधिकारियों को निर्देश जा रहा है कि जहां भी उन जनपदों के वहां के स्वयं के रहने वाले यदि कुछ लोग हैं जो क्वारंटाइन में जनपद स्तर पर या तहसील स्तर पर हैं तो उनका बकायदा मेडिकल टेस्टिंग कराते हुए उसी जनपद में अपने घर तक जाने के लिए और उसके बाद होम क्वारंटाइन की व्यवस्था और उसकी मॉनिटरिंग के भी आदेश राजस्व विभाग जारी कर रहा है। यदि कुछ लोग अन्य जनपदों के हैं तो उनको भी अलग से भेजकर कहीं भी अव्यवस्था ना हो धीरे धीरे करके उनकी भी व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। अवैध शराब के प्रति एक अभियान 3 दिन का चलाया जा रहा है। कल रात तक काफी जगहों पर अवैध शराब के छापे जो है जहां जहां संभव था किए गए हैं। जहां तक अवैध शराब कानपुर में पाई गई थी वहां परसों की जो घटना थी उस घटना में जो है जो भी पुलिस के अधिकारी थे, आबकारी विभाग के अधिकारी थे, सभी निलंबित कर दिए गए हैं। बहुत सख्ती से अवैध शराब में जो भी सरकारी आदमी कहीं उनकी कमी रही है उनको निलंबित करके कार्रवाई की गई है। कृषि क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष बल देते हुए कृषकों को, किसानों को कहीं भी किसी भी रूप में कोई कठिनाई ना हो ये निर्देश कृषि विभाग को और APC साहब को दिए हैं। और जो FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डोर स्टेप पर MSP पर खरीदें। अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो अगर खरीद रही है, गेहूं खरीद रही है, डोर स्टेप पर खरीदे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी आज समीक्षा की कि हमारे जो भी हॉटस्पॉट्स हैं उनकी क्या व्यवस्था है। आज समीक्षा के अनुसार जो 15 जनपद के हॉटस्पॉट्स हैं उनमें 146 हॉटस्पॉट्स जो है अब चिन्हित कर लिए गए हैं और इनमें 1,71,232 मकान हैं, 9,78,055 व्यक्ति हैं और साथ साथ इन सभी मकानों पे, इन सभी क्षेत्रों में जो है बैरिकेडिंग हर हालत में कर दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में जो है फायर टेंडर से छिड़काव भी कर दिया गया है और कार्रवाई भी कर दी गई है। इनकी पॉपुलेशन है 9,78,055, 7 मकान जो है 9,78,055 लोग हैं, 1,71,232 मकान है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे व्यापक रूप से जो है यहाँ गाड़ियों के चालान भी किए गए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ जो है 188 के अंतर्गत या DM एक्ट में या एपिडेमिक एक्ट में FIR भी, कुल मिला के 56 FIR भी की गई है। तो काफ़ी मात्रा में कार्रवाई भी इन हॉटस्पॉट्स के क्षेत्र में की गई है। साथ साथ जो 25 अन्य जनपद हैं जहां पर 62 हॉटस्पॉट्स अब चिन्हित कर लिए गए हैं, यहां 1,62,664 मकान चिन्हित करते हुए
950,828 व्यक्तियों को जो है इन एरियाज में पाया गया है। अब तक जो कोरोना पॉजिटिव केसेस यहाँ पर हैं वो 80 हैं। प्रथम चरण में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस थे 401 थे, तो कुल मिलाकर 481 ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव विद इन दी हॉटस्पॉट्स है। ये लगभग 80% से प्लस सभी हमारे हॉटस्पॉट्स के अंदर रिंग फेंस कर दिया गया है, यानी जो योगी जी का मॉडल है, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का मॉडल है, जिसको आम भाषा में सोशल मीडिया में योगी मॉडल बता रहे हैं, उस मॉडल के तहत 80-85% लोगों को रिंग फेंस करके कार्रवाई की गई है। आगरा में भी जो संख्या में आज लोग आए हैं सब विद इन द रिंग फेंस आए हैं। जो पारस हॉस्पिटल है और जो कुछ लोग उनके टच में आए थे, उनकी जब रिपोर्ट आई है तो पॉजिटिव आए हैं, वो विद इन द रिंग फेंस है, ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे, तो उसको भी जो है मजबूती से आगे लिया जा रहा है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब तक गृह विभाग के माध्यम से जो कार्रवाई पूरे प्रदेश में की गई है उसके अंतर्गत 16,572 FIR धारा 188 में दर्ज करते हुए लगभग 52,534 लोग को लॉकडाउन की उल्लंघन के लिए जो है उनको बुक किया गया है, और जो भी गिरफ्तारी हुई है गिरफ्तार लोगों को मुचलके पर छोड़ भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उनको जो है अनावश्यक रूप से लंबे समय से रखा गया है। 40,142 लोग जो है गिरफ्तार करके मुचलके पर छोड़े गए हैं। लगभग जो है 6,55,00,000 रुपया शमन शुल्क जमा किया गया है और 21,967 वाहन सीज कर दिए गए हैं, और आवश्यक वस्तुओं हेतु जो है अब तक 1,50,885 वाहनों को परमिट जारी किया गया है। कालाबाजारी और जमाखोरी में अब तक 493 लोगों के खिलाफ 395 FIR दर्ज की गई है और 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज पर भी अब कार्रवाई 255 मामलों में आई है। फेक न्यूज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम लोग ने भेजा है और आज ही इसकी समीक्षा हम जो है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स के साथ करते हुए फेक न्यूज पर आगे FIR दर्ज करके गिरफ्तारी की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। हम लोगों के स्तर पर जो है निरंतर तबलीगी जमात के सभी जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसा भी बताया गया, एक एक आदमी चिन्हित करके उनका क्वारंटाइन करते हुए उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जो फल सब्जी का APC साहब की कमिटी और टीम वितरण करा रही है, अब तक 42,944 वाहनों में जो है फल सब्जी का वितरण हो रहा है, जिसमें से 13,915 ऐसे हैं जो मोटर चलित हैं और 29,029 हैं जो हाथ गाड़ी चलित हैं। दूध का उपार्जन कल 52,79,000 लीटर हुआ है और इसमें से 34,13,000 लीटर का वितरण भी किया गया है। सबसे बड़े दूध की वितरण की पूरे देश में ये व्यवस्था है, जिसमें लगभग 20,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो दूध का वितरण का काम कर रहे हैं। 21,229 किराना स्टोर्स के माध्यम से 49,358 लोगों के माध्यम से होम डिलीवरी की जा रही है और अब तक राशन कार्ड के माध्यम से 2,86,11,704 राशन कार्ड में वितरण कर दिया गया है, यानी लगभग जो प्रथम चरण का राशन का वितरण है वो लगभग पूरा है। कम से कम इसको अगर हम देखें तो इसमें जो है करीब करीब 14-15 करोड़ लोगों से अधिक को जो है राशन का वितरण हो गया है। जो फूड पैकेट्स का वितरण है, कुल 12,20,000 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं, जिसमें से 720 जिला प्रशासन के हैं कम्युनिटी किचन और 1756 धार्मिक कम्युनिटी किचन है। इनमें भी कुछ जगहों पर सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी देखने को मिली है। कम्युनिटी किचन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से खाना ऐसी जगह न बांटे जहां लोगों की आवश्यकता ना हो, तो खाने को वेस्ट ना करें, सावधानी पूर्वक बांटे, अनावश्यक जो है ये ना हो कि वो जो है बिना अनुमति के बांटे, ये भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब तक जो है दो स्टेप डिलीवरी में 1647 मिल्क वैन्स के माध्यम से वितरण किया गया है। डोर स्टेप डिलीवरी में 2,081 वाहन लगाए गए हैं। डोर स्टेप डिलीवरी में 1683 जो है प्रोविजन स्टोर्स के माध्यम से वितरण किया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो उद्योग भाग है उसने अब रिकॉर्ड
421 करोड़ रुपया तनख्वाह का वितरण किया है, जो 30,466 इकाइयों में किया गया है, और साथ साथ 5,469 ऐसी इकाइयां हैं जिनको चालू कर दिया गया है। श्रमिकों का भी भुगतान 1,000 रुपये का काफ़ी मात्रा में किया गया है, और निर्माण कार्यों के 12,65 श्रमिक और नगरीय क्षेत्र के 4,78,000 श्रमिकों का 1,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 3,33,000 श्रमिकों का भुगतान कर दिया गया है। तो श्रम विभाग के माध्यम से भी काफ़ी मात्रा में जो है कार्य कर लिया गया है। आटा मिलों को और फ्लोर मिलों को भी शुरू कर दिया गया है, 906 अब चालू हो गई, क्योंकि गेहूं की उपज जहां आई है तो 906 आटा और फ्लोर मिल चालू कर दी गई हैं, 419 तेल मिलें चालू कर दी गई हैं, 235 दाल मिलें चालू कर दी गई हैं। तो एक बृहद अभियान चालू किया गया है। आश्रय स्थलों के माध्यम से 1,25,989 लोग जो है 5,241 आश्रय स्थलों में है, जिनकी व्यवस्था भी यदि वो 14 दिन पूरा कर चुके हैं, जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया गया है कि उनको जो है निर्धारित एक मानक के अनुसार खाद्यान्न भी, जैसा बाढ़ राहत में पूरा पैकेज देता है, पैकेज देके उनको घर की व्यवस्था दी जाए। जिले स्तर पर है तो स्थानीय स्तर से भेजा जाए, अन्य जनपदों से है तो अन्य जनपदों भेजा जाए। अभी प्रदेश के बाहर जो लोग हैं वो ऐसे यथा स्थान रहेंगे, उनके लिए आगे जैसे भी निर्देश होंगे वैसी कार्रवाई भारत सरकार के अनुसार की जाएगी। हम ये जरूर आपको बताना चाहेंगे कि फेक न्यूज़ की शिकायतें कुछ हद तक बढ़ी हैं, आई भी हैं। कल ही मेरे नाम से या किसी और नाम से जो है फेक न्यूज़ लोग सर्कुलेट कर रहे हैं और फिर उसको आप फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर न्यूज़ होगी जो सूचना भाग के माध्यम से जाएगी या कहीं भी गृह विभाग के माध्यम से जाएगी या मुख्य सचिव साहब के यहाँ से जाएगी, वो बाकायदा इंडोर्स होके जाएगी। कोई भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर ना चलाइए। कल जो है बहुत सारे हमारे मित्रों ने जो है फॉरवर्ड करके हमसे बार बार पूछा कि ये सही है कि गलत है। इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी कहीं भी एनकरेज नहीं करिए। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग उसको बढ़ाइए नहीं। काफ़ी हद तक जो है ये समस्या आई थी कल, एक वही मैंने कहा आपसे, मेरे नाम से कोई भी न्यूज़ नहीं आएगी। जो भी न्यूज़ आएगी बाकायदा सूचना भाग की हेडलाइंस के अनुसार आएगी। आप देखते हैं आज से नहीं, शुरू से ये व्यवस्था है। तो फेक न्यूज़ पर विशेष ध्यान दीजिए, और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ है तो उसकी भी पुष्टि कराकर ही उसको फिर आगे चलाइएगा। मैं सभी चैनल्स का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक चैनल्स ने सभी इस तरह की चीज़ों को जो है नकारात्मक रूप से जो है उनको निकाला है। आगे भी हम आपका सहयोग लेते रहेंगे। हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी भी जहाँ भी कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति रह गया है जिसकी जो है अभी तक जांच नहीं हुई है, तो सामान्य पब्लिक से हम आह्वान करना चाहेंगे कि इसकी सूचना जिला कंट्रोल को, अपने थानों को बिना आपका नाम लिए सामने जरूर आ जाए, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।